गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है GNDU इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर कि अभी अभी पांच और क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं कि कौन कौन से क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU रिजल्ट। जैसे आप सर्च कर लोगे तो जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पर अपन होगी online.gndu.ac.in, जहाँ रिजल्ट लिखा वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जाने का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले आपने ईयर पे क्लिक करना है, 2023 को सिलेक्ट करना है, मंथ पे क्लिक करना है, मई को सिलेक्ट करना है, कोर्स टाइप पे क्लिक करना है, पास कोर्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट क्लास पे क्लिक करना है फिर। और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस जोड़ने रखनेंगी जिन जिन क्लासेस का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो अभी अभी जिन क्लासेस का रिजल्ट आया वो फर्स्ट क्लास है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर ODL का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो आप जिस भी सेमेस्टर के हों सिंपली उस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर करके सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी अभी आया वो है, थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है। तो नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी अभी आया वो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर पे आपने क्लिक करना है। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी अभी आया वो है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पे आपने क्लिक करना है। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी अभी आया वो है, थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा और नीचे जाना। तो नेक्स्ट क्लास है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर ODL का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो आप जिस भी सेमेस्टर का सिंपली उस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी भी आया वो है, थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर ODL का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट पास होंगे। और जैसे किसी और क्लास का यहाँ पे किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।